G20 और G20 यार, ये G20 के मैं पोस्टर्स ना नागपुर के हर एक गली और चौराहे पर देखी। और भाई मुझे आकर अचानक से बोला कि दीदी आज G20 के डेकोरेशन का ना लास्ट डे है। तो बस फिर मैं भी निकल गई G20 का डेकोरेशन देखने के लिए कि G20 का डेकोरेशन आखिरकार नागपुर में हुआ कैसे। और हमेशा की तरह ना इस बार भी मैं हर चीज के लिए लेट ही हूँ। और आप मानोगे नहीं यार, मेरी आंखें ना फटी की फटी रह गई, इतनी ज्यादा भीड़। लोग ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं, जो चीज मिल रही है उस पे बस खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। पर मानना पड़ेगा G20 में नागपुर सच में बहुत ज्यादा अच्छा सजा है। काश नागपुर हमेशा ऐसा ही दिखता। अब आप लोग ये देखो, माना कि गवर्नमेंट ने नागपुर को इतना अच्छा सजाया है, बट लोग ना उस सुंदरता को सुंदरता नहीं रहने दे रहे। अब ये तो देख ही लिया, एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइनली मैं भीड़ से निकल के ना एयरपोर्ट पहुंची गई। और मुझे ऐसा लग रहा है पैसेंजर से ज्यादा तो G20 देखने वालों की भीड़ है। और मैं सच बोल रही हूँ, इतने लोग तो मरीन ड्राइव पर भी नहीं दिखेंगे वॉक करते हुए। और इसमें से ना आधे से ज्यादा लोगों को ये तो पता होगा ही नहीं कि G20 समिट एक्चुअली में क्या है।